खरगोन में भी लगातार बारिश के चलते शहर की सड़कों के हालात बदतर हो गए हैं। जगह जगह गड्ढे होने से लोग गिर रहे हैं, तो किसी का मोबाइल जेब से गिरकर पानी में ही टूट फूट गया। पोस्ट ऑफिस चौराहे से लेकर जिला अस्पताल तक सड़क की हालत खराब है। बारिश के पानी से भरे गड्ढों में गहराई पता नहीं होने से हादसे हो रहे हैं और जिम्मेदार जिम्मेदारी से कन्नी काट रहे हैं। हालांकि सड़कों की बदहाली के पीछे मूल वजह जल आवर्धन योजना की खुदाई के दौरान बढ़ती लापरवाही भी है। लापरवाही छिपाने के लिए की गई लिपापोती के कारण जगह जगह सड़क धंसने लगी है। लोग अपनी पीड़ा कह रहे हैं। मैं गड्ढे में, मेरी गाड़ी जाके ना गड्ढे में गिरी है, तो मेरे मोबाइल का मोबाइल जेब में तो गिर गया ना, उसके बाद में मेरे एक डेढ़ घंटे से ढूंढ रहा, अभी फिर मेरे को मोबाइल मिला, मोबाइल का एक पीस मिला है बस। और इसके पहले भी पानी गड्ढे इतने हैं कि वो देख नहीं पा रहे हैं, उसके बावजूद वो धीरे से गड्ढे में जाने में एक और स्कूटी वाली छोरी भी गिर गई थी। क्या लगता है जो सीवरेज का काम कर रहा है, जगह जगह गड्ढे हो गए हैं? जगह जगह गड्ढे हैं और बहुत परेशानी हो रही है, और पानी भरा होने के वजह से जजमेंट लगता नहीं और गाड़ी गड्ढे में चले जाती है। क्या नाम है आपका? राधे। जब इस मामले में नगरपालिका अध्यक्ष विपिन गौर से बात की तो वह खुद प्रशासनिक जिम्मेदारों के सामने अपने आप को असहज जताने लगे। अध्यक्ष ने कहा कि इन्हीं मामलों के साथ शिवडोला यात्रा मार्ग दुरुस्ती के लिए हाल ही में पार्षदों ने सीएमओ कक्ष के बाहर ही धरना तक दिया, लेकिन सड़क दुरुस्ती बरसात रुकने के बाद होने का हवाला दिया। एक तो कर दिया गया, लेकिन अब वो फिर गड्ढे पानी के से बनते जा रहे हैं, लोग घेर रहे हैं, काफी परेशान हो रहे हैं। नगर पालिका कुछ नहीं कर रही है? नहीं, नगर पालिका कुछ नहीं कर रही, ऐसी बात नहीं, नगर पालिका कर रही है उन लोगों को जो जल आवर्धन योजना का जो काम चल रहा है, सीवर लाइन का जो काम चल रहा है, उन ठेकेदारों को बार बार बुला के बोला जा रहा है कि आप स्टोरेज करो, स्टोरेज करो। उन्होंने स्टोरेज भी करा है, जो मुरुम डाली है, जो मट्टी डाली है, वो डाली है उसके ऊपर जो पानी डाल के और दबाई करना थी वो बराबर नहीं हो पाई है, उसकी वजह से जो उन्होंने रीस्टोरेज करके जो कंक्रीटिंग किया है वो भी अब बारिश, लगातार बारिश होने के कारण वो सब जो रीस्टोरेज सीमेंट कंक्रीट का करा था वो भी दब गया, धस गया है। और इस प्रकार से सब दूर जो इस प्रकार की हालात बने हुए हैं, जो गड्ढे पड़े हुए हैं उनको बंद करने के लिए कल हमारे पार्षद लोग भी अनशन पर बैठे हुए थे, इसी वजह से वो जो उनको बताया गया, सीवरेज वालों को भी बुलाया गया, जल आवर्धन योजना वालों को भी बुलाया गया और पीआईयू वालों को भी बुलाया गया, ठेकेदारों को, और उनसे लिखित में लिखवाया गया है कि बारिश जैसे ही बंद होती है उसी 8 दिन के अंदर हम इसका काम चालू कर देंगे। और इस प्रकार से जो जहाँ भी गड्ढे हैं उस प्रकार से ये लोग भर भी रहे हैं और भरवाने की कोशिश भी हम लोग कर रहे हैं, घायल भी हो रहे हैं। अब तो गड्ढे हुए हैं तो गिनना वास्तविक बात है, वो देखे तो अभी भादो लगने वाला और तेज बारिश हो, लगातार बारिश होगी, ऐसे में जब बारिश बाद कंपनी उसको सुधारने की बात कर रही है तब तक लोगों की स्थिति तो काफी दयनीय हो जाएगी। नहीं नहीं, दयनीय हो जाएगी, लेकिन अपन लोग जो है जहाँ जहाँ गड्ढे हुए हैं उनको भरवा भी रहे हैं और भरवाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और नगर पालिका भी खुद उसके अंदर स्वयं जो काम नगर पालिका निधि से भी करवा रही है कि जल्दी से जल्दी काम को किसी भी प्रकार से निपटाया जाए। जो काम जल आवर्धन की कंपनी को किया जाना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, माना जाए तो निर्माण भी है उसमें काफी लापरवाही है। नहीं, लेकिन ना सीएमओ ध्यान दे रहे हैं ना परिषद ध्यान दे रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सीएमओ भी उनकी मीटिंग लेके उनको बता रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि ये काम रिस्टोर का करो आप, बाकी फिर भी जो है वो काम के उससे ही काम होता है, लेकिन उन लोगों ने क्या है कि जो सीवर लाइन वालों ने एकदम जो सब दूर काम करा है उसकी वजह से थोड़ी परेशानी हम लोगों को आ रही है। हिसाब से सीवरेज वालों ने लिख के दिया है, जल आवर्धन ने लिख के दिया है कि सारा काम वो बारिश के बाद करेंगे। नहीं, बारिश खत्म नहीं होगी, ये जो बारिश लगातार कंटिन्यूस गिर रही है, ये बारिश बंद होने के बाद जैसा भी खुलेगा ना, उस खुले हुए टाइम पीरियड के अंदर ये लोग काम करेंगे। ऐसे में समझा जा सकता है कि लोग अब घर से बाहर अपने वाहन लेकर निकले तो सतर्क रहे उन गड्ढों से जो केवल पानी से भरे नहीं हैं बल्कि काफ़ी गहरे भी हैं। मौसम विभाग के 40 जिलों के रेड अलर्ट में लोग आवागमन में सतर्कता रखें। हालांकि शनिवार से सोमवार तक लगातार 4 दिन अवकाश और त्यौहार होने से आवागमन ज़्यादा होगा, इसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके आवागमन के दौरान नदी नालों के उफान पर आप सतर्क जरूर रहें। तेज बहाव में अपने वाहन पार ना करें, यही SW 24 न्यूज़ की भी आम जन से अपील है।